7 जुलाई 2024 को शुक्र ग्रह चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जिसका सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन करने से राशि चक्र की बहुत सी राशियों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जहां इन राशियों को धन संपत्ति आदि का लाभ मिलेगा, तो वहीं इनकी आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो जाएगी। शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन करने को लेकर हमने हरिद्वार के ज्योतिषी एक्सपर्ट पंडित शशांक शेखर शर्मा से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। शुक्र 7 जुलाई को सुबह 2:40 पर लगभग राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 31 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि में शुक्र का जब गोचर आएगा तो कन्या राशि और मिथुन राशि, जो बुध की राशि हैं, उनको आर्थिक लाभ दे के जाएगा ये, क्योंकि कन्या राशि से लाभ स्थान पर आ जाएंगे और मिथुन राशि से द्वितीय स्थान पर आ जाएंगे, जो धन स्थान होता है। तो आर्थिक उन्नति के लिए बुध की राशि यानी कन्या राशि और मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर कर्क राशि में बहुत उन्नति देने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए नौकरी परिवर्तन कराएगा और जहाँ पर नौकरी सिंह राशि वालों की इस समय चल रही है, वहाँ से दूर लेके जाएगा। जो लोग बाहर की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या लोग जो आईटी फील्ड में हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनके लिए एमएनसीज या फिर विदेश की कंपनी से भी उनको ऑफर मिल सकते हैं। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए उनको अपने प्रोफेशन की वजह से, अपनी जॉब की वजह से बाहर जाने का मौका मिलेगा। और जैसा मैंने बताया, मकर राशि जो कर्क राशि से सप्तमस्थ है, तो कर्क राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन में कुछ नए बदलाव आएंगे। उनको नया स्थान परिवर्तन करना होगा अपने जीवन साथी के साथ। यदि वो अभी तक विवाह नहीं हुआ है तो उनको कोई नया जीवन साथी मिलने वाला है, जिसके साथ उनके वैवाहिक संबंध बनने के योग बनेंगे। तो शुक्र क्योंकि स्त्री का कारक भी होता है, तो कर्क राशि वाले जितने भी पुरुष हैं उनके जीवन में नई स्त्री आने के योग बनेंगे। तो विवाह के लिए यह समय अच्छा रहेगा, रिश्ता पक्का होने के लिए समय अच्छा रहेगा।